गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉक ऑफ कश्मीर। तो अभी हम लोग उधमपुर स्टेशन में, हम लोग दिल्ली से ट्रेन पकड़ के इधर आए हैं और यहाँ से हम लोग गाड़ी में थोड़ा ट्रैवल करने वाले हैं एक डेढ़ घंटा, फिर वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन में और ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं श्रीनगर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी कश्मीर गैंग सब लोग। बनिया स्टेशन, ये देखिए व्यू देखिए, बहुत ही बड़ा स्टेशन है। बड़ा मतलब एकदम, मतलब बड़ा नहीं क्या बोला आपको, डिज़ाइन बहुत अच्छा मुझे लगा। और ये स्टेशन से अभी हम ट्रेन पकड़ के जाने वाले हैं। और ठंड का बात करें तो हाँ ठंड बहुत है, मुंह से पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। तो चलिए मिलते हैं। आ चुके होटल में और ये मेरे पीछे मेरा होटल है, जर्मन रेसिडेंसी। तो चलिए जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कैसा है। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी। ये हम लोग आ चुके हैं रूम के अंदर और ये हम लोग का रूम ऐसा दिखता है, उतना खराब नहीं है, बहुत अच्छा रूम है। और यहाँ टीवी भी है, मैं आपको बैक कैमरा से अच्छे से दिखा लेता हूँ। जस्ट हम लोग अभी खाना खत्म हुआ है और ये खाना बहुत ही टेस्टी था। और हम लोग जहाँ से खाना खा के आए हैं उसका नाम है स्मोकिंग ग्रिल्स। तो हम लोग का जो होटल है उसके सामने बगल में बनाया गया है। सो अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में, रेस्टोरेंट में खाना खा के, और अभी यहाँ से हम लोग पूरा श्रीनगर घूमने जा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप होने वाला है। तो बने रहे। अभी हम लोग बस से उतरे और अभी हम लोग जा रहे हैं मुगल गार्डन में। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको भी दिखा। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। थोड़ा गौर से देखिएगा तो देखिए थोड़ा बहुत दूर एकदम फॉगी फॉग वेदर है, पर बहुत ही ठंड भी इधर ठंड लग रही है, बहुत गंदा वाला। इधर से पूरा डाल लग इधर दिख रहा है पर एकदम फॉग, इसलिए आप देख नहीं पा रहे होगे, बहुत ही खतरनाक एकदम आ रही है यहाँ से पिक्चर्स। माशी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों का सपना था यहाँ आने का। अच्छा, ये सपना पूरा हुआ है। हाँ? और तुम्हारे ब्लॉग के लिए सब सब्सक्राइबर्स को बोलेंगे और ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और तुम्हारा यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा तरक्की करे। हाँ? थैंक यू। और आपको बहन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है और तो मैं बोलूंगी कि वो और आए यहाँ पे घूमे, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा सब्सक्राइबर्स बढ़ेगी। अच्छा थैंक यू। आपको क्या कश्मीर में अच्छा लग रहा है? ठंड बहुत अच्छी लग रही है। ठंड अच्छी लग रही है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा कश्मीर का मुगल गार्डन के बारे में बोलते हैं। अच्छा, ओके। तो इसको कहते तो है मुगल गार्डन। हाँ? लेकिन इसको, इसका एक्चुअल नाम है शालीमार बाग। शालीमार बाग का मतलब होता है कि इट्स अ गार्डन ऑफ बाउंटी, गार्डन ऑफ ब्यूटी। ठीक है। और ये बनाया गया था 1619 में, एम्परर जहांगीर ने बनवाया था। और इसमें आपको दिखाई देंगे, सबसे ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग चीज़ यही है कि इसके बीच से कनाल जाते हैं जो दाल लेक में कनेक्ट होता है। दाल लेक का पानी इसके बीच से जाता है, तो कभी कभार इसके बीच में झरना वगैरह, आर्टिफिशियली वाटरफॉल्स बनाया गया है जिससे बहुत अच्छा अच्छा साउंड आता है। Okay. और ऑल इन ऑल इट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस हिस्टोरिकली इवन नाउ। यस। ओके थैंक यू। तो मेरे पीछे यहाँ फोटो सेशन हो रहा है, एकदम कॉस्ट्यूम पहना के फोटो खींचा जा रहा है और ये सब लोग कश्मीर में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अभी इसके बाद हम लोग यहाँ से बैक करने वाले हैं और आपको एक्साइटिंग प्लेस में घुमाने वाले हैं। तो बने रहे। हम लोग बस में आ चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग पहलगाम जाने वाले हैं। सब एक्साइटेड है। तो ऑल रेडी? Yeah! तो बस ये है रेड पल सैफ्रन, यहाँ आपको बहुत ही तरह के सैफ्रन।
ये जो बैड है इसको बनाया जाता है कश्मीर में ही और दूसरे ब्रांड का लेवल डाल के इसको बेचा जाता है। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा जाम में फंस चुके हैं, सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा जाम लगा है। अभी हम लोग आ गए पहलगाम में और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं आरो वैली। वो देखो आरो वैली जो है उसका पूरा व्यू मैं आपको दिखा दूंगा, तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट आरो वैली में। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं आरो वैली में और चलिए मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये जो पूरा देख रहे हो ना आरो वैली है, इतना सुंदर है, ज़्यादा कोई मतलब है ही नहीं इधर, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पर्सनल लैंड है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है आरो वैली। तो हम लोग को अभी जाना है आगे और ठंड तो है इधर, पर कल से मुझे पता नहीं क्यों कल मतलब थोड़ा कम लग रहा है ठंड, पर जो भी है देखिए आप ऊपर का व्यू तो सुंदर है। अभी हम जा रहे हैं आगे क्या वैली और आरो वैली ना आरो वैली। ठंड में पानी जम के देखिए इधर आइस हो गया है, देखिए पूरा आइस हो गया है पानी इधर, और व्यू तो काफी शानदार है और वहाँ हम लोग को स्नो भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे। सवेरों का मेरे तू सूरज। तो अभी हम लोग को यहाँ से बैक करना पड़ा और अभी हम जा रहे चंदनवारी की ओर तो और वहाँ बहुत ही स्नो है तो मजा बहुत आने वाला है। स्नो दिखाएगा मेरा भाई। ओके तो बने रहे। चंदनवारी पहुँचने से पहले सब लोग का थोड़ा हाल देख लेते हैं, सब लोग को कैसा लग रहा है। पहले आपको कैसा लग रहा है? टायर्ड लग रहा है। टायर्ड लग रहा है, कब पहुँचूँ। और आपको? ठीक ही है, बस बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा यार अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज रास्ता मतलब इतना टेढ़ा मेढ़ा है, टर्निंग्स बहुत है, इसीलिए मतलब कैसे लग रहे हैं। अच्छा और ठंड के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? ठंडा बहुत है, माइनस में चले गए। अच्छा लोगों को तो ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है, बस हाँ रास्ता थोड़ा मतलब क्या है ना टेढ़ा टेढ़ा है तो सब लोग का थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसे हो रहे हैं। तो कोई ना अभी जब पहुँच जाएगा तो सब लोग को मजा आने वाला है। चंदनवाड़ी में हम लोग को स्नो भी मिलेगा जहाँ हम लोग स्नो से खेलने वाले हैं। तो चलिए जाते हैं डायरेक्ट चंदनवाड़ी में। चुके चंदनवाड़ी में और चंदनवाड़ी में बहुत ही ज्यादा स्नो दिख रहा है हम लोग को और बहुत सारे स्टॉल भी है, दुकान है और हाँ ठंड तो है ही और बहुत एक्साइटिंग प्लेस है। चलिए आपको पहले स्नो दिखाते हैं थोड़ा पास जाकर। तो स्नो में घूमने से पहले हम लोग सोचे कि मैगी खा ले गरम गरम कि थोड़ा अच्छा लगेगा और फिर हम लोग जाएंगे स्नो में खेलने। तो पहले खा लेते हैं फिर खेलते हैं। हम लोग आ चुके हैं मैगी, मेरी बहन भी मैगी खा रही है। 60 रुपीज का मैगी पड़ा है और यस ठंडा जगह मैगी खाने का मजा ही अलग है। तो चलिए खा के स्नो में खेलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पीछे मेरे आगे सब जगह स्नो ही स्नो है, एकदम पूरे सबाई पड़ता से किंतु सावधान। देखिए एकदम पर स्लीपर भी है, सावधान रहना पड़ता है। पूरा स्नो है, देखिए नजारा, देखिए पूरा स्नो। अपना बना ले बस अपना। सो फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं वहां से बैक करके और अभी हम लोग पहलगाम में रुके हुए हैं एक होटल में और फिर कल हम लोग चले जाएंगे श्रीनगर के होटल में। और हाँ मज़ा तो बहुत आया और होटल में देखिए ऐसा होटल है और ख़राब नहीं है, अच्छा ही होटल है। और यहाँ सेंट्रलाइज्ड हीटर भी दिया गया है, बेड को गर्म करने के लिए भी हीटर दिया गया है, मतलब ये वाला एक तो हीटर ये दिया गया है और एक बेड को गर्म करने के लिए ये हीटर यहाँ भी दिया गया है। तो
होटल रूम में गर्म मतलब ठंड के लिए बचने के लिए सब बहुत चीज़ प्रोवाइड कर दिया गया है।